मानसकार दर्शन करा रहे हैं। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, सुंदर गौर वर्ण का शरीर है, माथा भाल चौड़ा है और उस पर त्रिपुंड लगा हुआ है, अस्त्र शस्त्र सब हाथ में है, फरसा हाथ में लिए, कंधे पर तरकस दो दो बंधे हैं, धनुष टंगा हुआ है और ऐसे परशुराम जी का प्रवेश हो रहा है। अभी बोल रहे थे ना, ले उछड़ा इसी कह को, सीता जी को छीन कर ले जाएंगे। और जिन्होंने दो चार ने अपने हथियार हाथ में ले लिए, अस्त्र शस्त्र उठा लिए, जैसे ही सामने से गेट से जब आ रहे थे, दरवाजे से प्रवेश कर रहे थे परशुराम जी महाराज, ये दो चार के हाथ में हथियार थे। इन्होंने देखा भगवान परशुराम जी आ गए, सो हथियार तो सबसे पहले नीचे पीछे छुपाए, बाद में सोचा कि ये साक्षात काल है और जिस सभा में परशुराम जी का प्रवेश हो जाए वहां से जिंदा बचकर जाना बड़ा मुश्किल क्षत्रियों के लिए। तो उस समय सब प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करते हैं, पिता के सहित नाम ले लेकर परिचय देते हैं। परशुराम जी ने किसी की ओर देखा नहीं, बिल्कुल सभा के मध्य में आए। जनक महाराज ने देखा परशुराम भगवान आए हैं, सो अपने सिंहासन से उठे, प्रणाम किया चरणों में, आसन के लिए इशारा किया। परशुराम जी बोले हम आसन नहीं चाहिए। परशुराम जी बीच सभा में, भरी सभा में खड़े हुए हैं। जनक से पूछ लिया, तूने इतने राजाओं को एक साथ यहाँ किस लिए बुलाया है? जनक महाराज से पूछ। जनक जी ने सारी बात निवेदन कर दी। महाराज मेरी बिटिया है जानकी, जानकी को बुलाकर प्रणाम कराया, इस बिटिया का स्वयंवर करना था तो उसमें सब राजाओं को बुलाया है। कहा अच्छा, स्वयंवर में स्वयं श्री सीता जी ने जयमाला के द्वारा अपने वर का चयन किया है या कुछ और? तो परशुराम जी को सारी घटना सुना दी। मेरे पास, मेरे पूर्वजों के पास एक शिव धनुष था और मैंने आज उस शिव धनुष को रखा पूरी सभा के मध्य में, और सभा में शिव धनुष जो तोड़ देगा उसी को श्री जानकी जी की जयमाल समर्पित होगी, उन्हीं के साथ पाणी ग्रहण होगा, ये मेरा संकल्प था। और इतनी बातचीत तो हुई बड़े प्रेम से। इतने में विश्वामित्र जी की ओर दृष्टि गई, सो विश्वामित्र परशुराम जी मिले हैं। राम लक्ष्मण को परिचय कराया, राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, ये तो हुई सहज वार्ता। लेकिन जैसे ही जनक ने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने के लिए ये सब आए थे, सो महाराज सीधी दृष्टि गई शिव धनुष के ऊपर। शिव धनुष के दो भाग देखे, सो भयंकर नख से शिख तक क्रोध व्याप्त हो गए, नेत्र लाल हो गए, भाषा बदल गई, शब्द बदल गए, और परशुराम जी महाराज भयंकर क्रोध में भर करके बोले हैं, तू, तेरा प्रचार समाज में ज्ञानियों में किया जाता है, लोग तुझे ज्ञानी समझते हैं, जनक जी को बोल रहे हैं, लेकिन एक बात तो बता, शंकर जी का धनुष तोड़वाने में कौन सा ज्ञान था? अरे कोई बात थी, धनुष पर बाण से लक्ष्य भेदन करा लेता तो समझ आता, लेकिन तूने धनुष तोड़वा दिया, वो भी शंकर जी का, तो तूने काम तो मूर्खता वाला किया है। और जनक जी से बोल रहे हैं, अतिरिषि बोले वचन कठोरा, अतिरिषि बोले वचन कठोरा, कौजड़ जनक धनुष के तोड़ा, कौजड़ जनक
भयंकर क्रोध में आए और बोल गए, अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तो। अब धनुष तो टूट गया, तूने जड़ता वाला काम किया है, लेकिन ये बता शंकर का धनुष तोड़ा किसने? अब जनक जी देखते तो राम जी की ओर हैं, पर बोल नहीं पाते। क्यों? हम अक्सर कहते हैं अब श्री राम जानकी का भविष्य है, अब जानकी का भविष्य राम जी से जुड़ गया, तो भरी सभा में कैसे कहें कि राम जी ने धनुष तोड़ा है? क्योंकि परशुराम जी के क्रोध से सब परिचित। जनक कुछ नहीं बोले, नीचे सिर करके बैठ गए, पर उत्तर कुछ नहीं दिया। और जब उत्तर नहीं दिया तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। मानस में दर्शन आया, भरी सभा में बोले हैं, जिस किसी ने भी धनुष तोड़ा है जनक, ये ठीक नहीं हुआ। जिसने भी धनुष तोड़ा है उसे समाज से अलग कर दो, वरना तो जितने लोग तुम्हारे समाज में इस सभा में बैठे हैं उन सबको मार दूंगा। अच्छा एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था वो बेचारे पहले ही दुखी हो रहे थे कि हमसे तो धनुष ही नहीं टूटा, सीता जी हमें नहीं मिली। लेकिन जब परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कहा कि धनुष किसने तोड़ा, तो सब बड़े खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ हमसे नहीं टूटा, हमसे टूट जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अब सब देख रहे हैं राम जी की ओर कि इन्होंने तोड़ा है, पर अब ये बाबा छोड़ने वाले नहीं है। सो थोड़ी देर खुश हुए, तब तक परशुराम जी बोले जितने लोग बैठे हैं सबको मार दूंगा। सो जैसे ही कहा सबको मार दूंगा, सो सब अपने अपने भगवान को याद करने लगे। महाराज वैसे ही आज धनुष टूटा नहीं, और बिना धनुष तोड़े ही सजा सबको मिलने वाली है। दो चार ने तो ये भी कहा बस सही सलामत घर तक चले जाएं, आगे कभी किसी स्वयंवर में ही जाना बंद कर देंगे, बस घर पहुंच जाए। परशुराम जी महाराज क्रोध में हाथ में बार बार फरसा संभालने लगे। श्री भगवान ने देखा कि जनक महाराज कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और परशुराम जी बार बार पूछ रहे हैं किसने शिव धनुष तोड़ा, तो उत्तर भी भगवान श्री राम स्वयं देने के लिए आगे बढ़े। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, हाथ जोड़े। हाथ जोड़े क्या शीलता रही होगी, यहाँ तो पड़ोसी ना कर पाए और हम कोई काम वो कर लें जो पड़ोसी नहीं कर पाया, तो अपने आप को सीना चौड़ा करके बोलते हमने किया ऐसा। भगवान ने सारे पृथ्वी भर के राजा लोग जो शिव धनुष को नहीं उठा सके उस शिव धनुष को तोड़ा, और भगवान कहते महाराज आप क्रोध ना करो, आपका ही कोई छोटा मोटा सेवक होगा जिसने ये काम कर दिए। नाथ संबोधन भंजन हारा परशुराम जी। अब राम जी तो इतने प्रेम से बोल रहे हैं, इतना सीधा साधा उत्तर दे रहे हैं, परशुराम जी और क्रोध में क्या कहा, मेरा सेवक होगा? अरे मेरे आराध्य हैं भगवान शंकर, मेरा सेवक तो कभी मेरे आराध्य के शिव के धनुष को तोड़ ही नहीं सकता। भगवान हाथ जोड़ करके खड़े, परशुराम जी बोले जिसने भी शिव धनुष तोड़ दिया वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्रार्जुन के समान मेरा परम कट्टर शत्रु है जिसने भी शंकर जी का धनुष तोड़ा। राम जी सामने ही खड़े, मानस में दर्शन आया, जब दो चार कठोर शब्द बोल गए सो लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो।
अब हमें जाना पड़ेगा। पर विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, महाराज देखते नहीं हो कितना आनंद चल रहा था, सब उत्सव चल रहा था। अभी अभी मेरे भैया ने शिव धनुष का खंडन किया, श्री जानकी मैया की जयमाल भगवान को मिली और विश्व विजय के साथ मिली। पृथ्वी भर के राजा हार गए, उस कार्य को भगवान ने संपन्न किया। और ये महात्मा आए हैं, जब से भगवान को ही डांटे जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले, थोड़ी देर के लिए हम जाएंगे। भरी सभा में आए और आते ही शब्द ऐसा बोले हैं महाराज, परशुराम जी की ओर देख करके कहा, महाराज शंकर जी का धनुष टूट गया, इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए क्रोधान है? तो परशुराम जी बोले, हाँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज एक बात तो बताओ, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, जब से इस सभा में बैठा हूँ तब से, जिस समय धनुष नहीं टूटा था तो जनक महाराज को क्रोध आ गया था। तजहु आस निज निज गृह जाओ। जनक जी कह रहे, नहीं तोड़ो तोड़ो, और आज भगवान ने तोड़ दिया तो आप आ गए कि क्यों तोड़ा? अब ऐसे में कोई क्या करे बताओ? तो लक्ष्मण जी बोले, महाराज एक शंकर का धनुष टूट गया तो आप इतने क्रोध में हैं, पर हमने तो बचपन से अभी तक हजारों धनुष तोड़ दिए, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया।